गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास फिफ्थ में बुक पेज नंबर सेकंड में हमें एक लैंडस्केप दिया हुआ है जिसके ऊपर हेडिंग लिखी हुई है कलर द पिक्चर केयरफुली। क्या करना है, हमें चित्र को ध्यान से रंगना है। चलो हम पहले स्काई ब्लू कलर से ऊपर जो आसमान दिया हुआ है वहाँ पे हम कलर फिल करते हैं। कलर कैसे करना है और किस बात का हमें ध्यान रखना है, तो पहले हम साइडों में कलर करेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, बीच में जो कलर है वो करना है, और जहाँ पे कलर हमें लाइट करना है वहाँ पे हमें हल्के हाथ से कलर चलाना है, और जहाँ पे हमें डार्क करना है वहाँ पे हमें थोड़ा सा फ्रेशर के साथ कलर चलाना है। और ध्यान रखना है कि ना तो कलर कहीं बाहर जा पाए और ना ही ज़्यादा दूसरे कलर में मिक्स हो जाए। तो देखो मैं कलर कैसे कर रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पे करना है डार्क कलर, तो मैं कलर को थोड़ा सा प्रेशर के साथ चला रहा हूँ। देखो कैसे मैं प्रेशर के साथ कलर चला रहा हूँ, तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना है और जहाँ पे आपने डार्क करना है वहाँ पे कलर प्रेशर के साथ चलाना है। इसी तरह हम कलर करते करते जैसे जैसे कलर नीचे लाइट की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे हम अपने हाथ को हल्के हाथ से चलाना स्टार्ट कर देंगे, डार्क टू लाइट की तरफ बढ़ेंगे हम। देखो मैं नीचे आ रहा हूँ, कलर नीचे करते करते क्या हो गया, हल्का हाथ हो गया मेरा, और अब कलर यहाँ पे लाइट होने लग गया। तो हमें यहाँ पे लाइट ही करना है ना, तो हमें हाथ हल्का करना पड़ेगा। देखो कैसे हल्के हाथ से मैं कर रहा हूँ, आराम से बिल्कुल। और आसपास भी देखो कहीं कलर किसी भी ट्री में नहीं जा रहा है, ना ही नीचे हेड तक आया है। तो आपको भी ऐसे ही कलर करना है, कलर को ज़्यादा फैलाना नहीं है। देखो अब मैं यहाँ पे डार्क कलर कर रहा हूँ, तो डार्क कलर करने के पास साथ साथ मैं अब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ूँगा। तो ऊपर तो क्या लाइट करना है ना, जहाँ पे ये बादल दिया है उसके पास पास में तो बिल्कुल लाइट कलर करना है। तो मैं यहाँ इनके आउटलाइन दे के पास पास में डार्क, और ऊपर क्या करूँगा, बिल्कुल लाइट लाइट। ये देखो बिल्कुल लाइट लाइट कलर हो रहा है। अभी आपने भी ध्यान रखते हुए ऐसे ही कलर करना है, जहाँ पे डार्क है वहाँ पे डार्क, और जहाँ पे लाइट है वहाँ पे बिल्कुल हल्के हाथ से लाइट लाइट। अच्छे से देखना है और फिर कलर करना है। ये देखो कितना अच्छा हो गया। अब मैं करूँगा बादल में। बादल में पहले हम क्या करेंगे, साइडों में कलर कर लेंगे, जहाँ पे हमें डार्क करना है ना वहाँ पे हम कलर करेंगे। और डार्क कलर करने में हमें ध्यान रखना होगा कि कलर बाहर ना चला जाए। अगर डार्क कलर बाहर चला जाता है तो फिर हमें क्या, हम उसको साफ भी नहीं कर सकते ना, हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी, और ये इरेज भी नहीं होता डार्क कलर। तो पहले हमें ये बिल्कुल ध्यान से करना है, पहले करना है और ध्यान से करना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, बीच का कलर करेंगे। और बीच का कलर तो हमें बिल्कुल ही लाइट लाइट करना है। तो देखो पहले आउटलाइन कैसी हो रही है, आउटलाइन करते हैं हमें ना इसके, देखो उबार दिखने लग गया, ऐसे लग रहा है ना अभी बादल उठा हुआ है। हमें ऐसे ही करना है, ज़्यादा बीच में डार्क नहीं करना है। अगर बीच में ज़्यादा डार्क करेंगे तो जिसकी उबार दिखाई दे रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। तो बीच में क्या करना है, लाइट लाइट बिल्कुल। तो देखो कैसे लाइट लाइट हो रहा है। अब मैं करूँगा बीच में लाइट लाइट। ये देखो बिल्कुल हल्के हाथ से थोड़ा सा बस इशारा ही कर रहा हूँ मैं कलर की तरफ, ना कि उसको दबा रहा हूँ, और उसके पास पास में ही कर रहा हूँ, बीच में नहीं कर रहा। क्योंकि अगर हमने बीच में ज़्यादा कलर लगा दिया तो हमारा क्या है, उबार ख़त्म हो जाएगा। चलो हम थोड़ा सा ना जहाँ पे हमने डार्क कलर लगाया था वो एक बार हम थोड़ा थोड़ा और लगा देते हैं, ताकि हमारा उबार जो है वो अच्छे से दिखने लग जाए। ये देखो साइडों में जहाँ पे रह जाता है ना कभी कभार, तो वैसे हम कलर थोड़ा सा रीचेक करके और अच्छे तरीके से और लगा देते हैं। ये देखो तो अब क्या है, हमारा जो स्काई ब्लू कलर है वो हो चुका है कंप्लीट। तो हम अब क्या करेंगे, आगे का जो कलर हमें करना है, अब हमें करना है डार्क ग्रीन कलर। तो हम अब डार्क ग्रीन कलर स्टार्ट करते हैं। तो डार्क ग्रीन कलर से हम कैसे करेंगे, वैसे ही हम पहले साइडों में डार्क कलर करेंगे। यहाँ पे हमें भी वही ध्यान रखना है जैसे कि हमने पहले देखा था कि हमें कलर बाहर नहीं निकालना है, और साइडों में डार्क करना है अच्छे तरीके से, और बीच में बिल्कुल लाइट लाइट। ये देखो पहले मैं कर लेता हूँ बीच में, साइडों में, सॉरी साइडों में कर लेता हूँ डार्क डार्क, और उसके बाद में बीच में हमें बिल्कुल हल्के हाथ से क्या करना है, लाइट कलर। ये देखो
बिल्कुल सिंपल तरीके से हम कलर कर रहे हैं और बिल्कुल बीच में लाइट लाइट कर रहे हैं। ये देखो अच्छा भी लग रहा है ना, बिल्कुल सुंदर लग रहा है, मेरे को तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। कितने अच्छे तरीके से कलर हुआ है देखो, बिल्कुल बीच में लाइट, साइडों में डार्क डार्क, 3D पिक्चर बन जाएगी अच्छे से। अब हम देखो ट्री में कलर कर रहे हैं, ट्री में हमें क्या करना है, साइडों में जो कलर कर रहे हैं वो हमें सर्किल की तरह करना है, जैसे सर्किल सर्किल बनाते हैं ना अपने से घुमा घुमा के कलर को, ताकि हमें जो ट्री के जो पत्ते होते हैं उनका थोड़ा सा आभास हो सके, और बीच में हम वैसे ही सिंपल तरीके से डार्क लाइट कलर कर देंगे। ये देखो अब हम सिंपल बीच में लाइट कलर कर देते हैं। ये देखो ट्री भी हमारा कंप्लीट हो गया। और अब हम बढ़ते हैं नीचे की तरफ, नीचे देखो घास बना हुआ है, उसमें भी हमने पहले क्या करना है, ऊपर की साइड बिल्कुल डार्क डार्क कलर करना है। ये देखो मैं थोड़ा थोड़ा कलर लगा के ऊपर से डार्क कर देता हूँ और नीचे बिल्कुल लाइट लाइट हो जाएगा। तो पहले जितना ऊपर का डार्क है वो हमने कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद देखो बिल्कुल नीचे लाइट लाइट, बिल्कुल प्रेशर नहीं देना है कलर को, बिल्कुल हल्के हाथ से करना है। अब आगे भी ऐसे ही करना है, देखो बिल्कुल लाइट लाइट हो रहा है और बिल्कुल आराम से कर रहा हूँ मैं, ताकि ख़राब ना हो जाए। ये भी हो गया, अब ऊपर की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये देखो इसमें पहले मैं आउटलाइन कर लेता हूँ और इसके बाद में क्या करना है, कलर पूरा कर देना है। बच्चों आपने भी बिल्कुल आराम से कलर करना है, जैसे देखो मैं कर रहा हूँ आराम से ना, बिल्कुल धीरे धीरे, जहाँ पे लाइट है वहाँ पे लाइट, जहाँ पे डार्क है वहाँ पे डार्क। चलो अब भी ये डार्क ग्रीन हमारा हो गया कंप्लीट, तो अब हम लेते हैं लाइट ग्रीन। लाइट ग्रीन कलर हम कैसे करेंगे, जैसे कि हमने डार्क ग्रीन कलर किया है, साइडों में करना है हमें डार्क और बीच में लाइट। देखो पहले मैं क्या कर लेता हूँ, साइडों में डार्क डार्क कलर जहाँ पे लगाना है तो मैं वहाँ पे पहले डार्क डार्क कलर लगा देता हूँ। अब मैं आता हूँ बीच में लाइट की तरफ, तो देखो मैं पहले अब ये मैं लगा देता हूँ लाइट लाइट कलर। तो वैसे ही हमने जैसे पहले डार्क ग्रीन किया था वैसे हमने ये लाइट ग्रीन लगा दिया। चलो तो ये भी हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे जहाँ पे हमने घास बनाई है, अब इस घास में भी हम वैसे ही कलर करेंगे जैसे पहले भी हमने डार्क ग्रीन कलर किया था ना घास में, ऊपर की तरफ डार्क किया था बीच में लाइट किया था। अब हम आते हैं नीचे जहाँ फूलों के पास जो एरिया है उसमें, उसमें हमने क्या करना है, ज़्यादा तो हमने लाइट लाइट ही कलर करना है, क्योंकि जो पार्क होता है ना वो बिल्कुल लाइट ग्रीन से होता है, और हमें इसमें बिल्कुल लाइट लाइट कलर करना है। और जहाँ पे हमें डार्क दिखाना है वहाँ पे हम थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे, जैसे कि फूल है, फूलों के पास में थोड़ा सा डार्क आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे जैसे फूल होते हैं उनकी परछाई वगैरह भी होती है ना थोड़ी बहुत, तो इसलिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कलर करना होगा, बाकी हमारा इसमें बिल्कुल ही लाइट कलर आएगा। तो देखो मैं यहाँ पे कर देता हूँ थोड़ा थोड़ा डार्क जहाँ पे फ्लावर्स हैं। अब हम लेते हैं डार्क ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर को भी हम वैसे ही लगाएंगे जैसे कि हमने बाकी के कलर पहले लगाए थे। तो हमने ले लिया है डार्क ब्लू कलर, तो ये देखो पहले हमने क्या करना है, ऊपर आउटलाइन, आउटलाइन की तरह हमने क्या करना है, डार्क डार्क कलर करना है और उसके बाद धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ना है और लाइट लाइट कलर कर देना है। ये देखो और कलर का ध्यान रखना है कि कलर आसपास के कलर में ना फैल पाए। तो ये कलर हो गया, अब हम करते हैं पेड़ के नीचे की साइड डार्क ब्लू कलर। तो देखो पहले हमने साइड में थोड़ा थोड़ा डार्क किया और उसके बाद में लाइट लाइट कलर जो पूरा कंप्लीट कर दिया। तो बच्चों अब आ गया हमारा पर्पल कलर, जो डार्क ब्लू कलर लगाया है उसके ऊपर की साइड हम करेंगे पर्पल कलर, और ये कलर ज़्यादा ना डार्क है ना ही ज़्यादा हल्का है, मीडियम साइज रखना है अपने को। ये भी साइडों में थोड़ा थोड़ा डार्क होगा लेकिन उतना डार्क नहीं होगा जितना कि हमने डार्क ब्लू कलर लगाया है। लो ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम लेते हैं रेड कलर, रेड कलर हमने कहाँ लगाना है, जहाँ पे हेड बनी हुई है उसके ऊपर छत में। तो ये कलर भी हम वैसे ही लगाएंगे, पहले आउटलाइन कर लेंगे आराम से बिल्कुल धीरे धीरे, और आउटलाइन हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, बीच में लाइट कलर।
ये देखो मैं पहले ऊपर की तरफ और साइडों में कैसे आउटलाइन कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे डार्क कलर आएगा और इसको हमें डार्क भी करना है। तो ये हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, बीच में लाइट लाइट, ये देखो लाइट लाइट कलर हम कैसे कर रहे हैं। आपने भी बिल्कुल ध्यान से और अच्छे से करना है, देखो कोई भी जल्दी में कलर नहीं करना है, बिल्कुल आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। अच्छे से करोगे सुंदर लगेगा और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी रहेगी, सीखने को अपने को बहुत कुछ मिलेगा आराम से करेंगे। रेड कलर भी अपना हो गया है कंप्लीट, तो अब अपने कौन सा कलर लेंगे, येलो। येलो कलर तो वैसे भी लाइट होता है, लेकिन फिर भी हमने क्या करना है, हल्के हाथ से चलाना है, क्योंकि हमें बिल्कुल भी लाइट लाइट कलर करना है और बिल्कुल हल्के हाथ से करना है। देखो कहीं भी कलर बाहर नहीं जा रहा है और अच्छे से कलर हो रहा है, तो ऐसे ही आपको भी करना है, बिल्कुल अच्छे से कलर करना है। अब हम लेते हैं ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर हमें कहाँ करना है, घर की साइड वाली दीवार में। तो हम पहले क्या करते हैं, जहाँ पे हमें डार्क कलर करना है वहाँ पे हम डार्क कलर लगा लेते हैं। चलो हम पहले चारों तरफ इसके डार्क लगा लेते हैं और हम उसके बाद क्या करते हैं, बीच में लाइट कलर कर लेते हैं। ये देखो ये भी हो गया कंप्लीट। अब बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी है पिक्चर, जैसे जैसे कंप्लीट हो रही है अच्छी बन रही है पिक्चर, मेरे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और ये हो गए हमारे जो रास्ता जो आ रहा है उधर से, उसी रास्ते में भी ऑरेंज कलर, यहाँ पे तो बिल्कुल ही लाइट लाइट है। देखो जब पता ही नहीं चल रहा कि कलर लगाया भी है या नहीं, बिल्कुल लाइट लाइट कलर कर रहे हैं। अब जहाँ पे हमें रास्ते में डार्क कलर लग रहा है वहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा करके और लगा देते हैं। ये देखो ये जहाँ पे थोड़ा थोड़ा कलर लग रहा है ना, मिनी को यहाँ पे डार्क आएगा वहाँ पे और लगा देते हैं। अब हमें और कहाँ पे करना है ऑरेंज कलर, कहाँ पे करना है, फ्लावर में। तो चलो हम इसे भी कंप्लीट कर देते हैं और फिर देखते हैं पिक्चर कैसी लग रही है। तो ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम दूसरी बार लेते हैं डार्क ब्लू कलर, क्योंकि पहले लगाया था ना हमने डार्क ब्लू कलर, तो दो जगह रह गया था, कहाँ पे, इन घर की खिड़कियों में। हमें क्या करना है, दोनों जगह ही डार्क ब्लू कलर लगाना है। तो पहले हम ये कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद हम लेंगे पिंक कलर। पिंक कलर कहाँ पे लगाएंगे, जो बचे हुए फूल हैं उनमें क्या लगाएंगे, पिंक कलर। जो जितने भी बचे हुए फूल हैं उनमें अच्छी तरह से पिंक कलर लगा देंगे। तो देखो हमने दो में तो कर दिए हैं, अभी हमारे पास बचा है फाइनली एक लास्ट, तो अब हम उसमें भी कर देते हैं। चलो ये भी हमारा होने वाला है, तो अब हमारी पिक्चर और भी अच्छी लगने लगी है और कंप्लीट भी होने वाली है। अभी हम लास्ट कलर लगाएंगे, उसके साथ ही हमारी पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी। तो फाइनली हम आ गए हैं इसका गेट बनाने के लिए। तो इसमें हम कौन सा कलर करेंगे, ब्लैक, जो बिल्कुल लाइट लाइट करेंगे, जैसा कि हमें लगेगा ग्रे कलर किया हुआ है, तो इसको बिल्कुल ही लाइट लाइट करना है। और इसी के साथ हमारी पिक्चर क्या हो गई, कंप्लीट हो गई है। तो बच्चों आपने भी क्या करना है, बिल्कुल आराम से और अच्छे तरीके से, यही पिक्चर जो आपके बुक्स में है वो अच्छे तरीके से करनी है और बिल्कुल आराम से करनी है। बच्चों आपने भी बिल्कुल सुंदर सुंदर कलर करना है। ओके तो बच्चों क्या है कि ड्राइंग बुक में तो हमने कलर कंप्लीट कर लिया है, तो अब हमको क्या करना है, हमें करनी है नोटबुक में स्केचिंग। तो नोटबुक इसमें स्केचिंग करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए और कैसे करनी है, तो वो हम देखते हैं। तो पहले हमें क्या चाहिए, पेंसिल, कटर और इरेजर। तो इन तीनों की सहायता से हम क्या करेंगे, ड्राइंग को कंप्लीट करेंगे जो हमें नोटबुक में करनी है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हेड से। हेड से हम कैसे स्टार्ट करते हैं कि हमें सबसे पहले जो इसका बीच का जो एरिया है, जी बीच का जो ये भाग है, जो हेड है वो हम लेते हैं, क्योंकि इसके बाद हम जो इससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो आगे बनाएंगे। तो पहले हमें क्या करना है, हम हेड बना लेते हैं। जैसे ही हेड कंप्लीट होगी उसके बाद हम उसके जो आसपास की चीज़ें हैं वो कंप्लीट करेंगे।
तो बच्चों देखो, एक बात इसमें ध्यान रखना कि पेंसिल बिल्कुल ही लाइट लाइट चलनी चाहिए आपकी। देखो मैं पेंसिल बिल्कुल ही लाइट लाइट चला रहा हूँ, और ये तो फिर भी डार्क है। ये इसलिए कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर मैं बिल्कुल भी लाइट कर दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं थोड़ी सी डार्क कर रहा हूँ। तो आपको तो बिल्कुल ही लाइट करना है। और इसके साथ आपको और क्या ध्यान में रखना है कि देखो, हमारी जो बुक है और जो नोटबुक है, बुक और नोटबुक इन दोनों का साइज़ तो क्या है, अलग अलग है। तो हमें क्या है, बुक का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है और नोटबुक का साइज़ छोटा है। तो इसमें हमने क्या करना है, जो नोटबुक है उसमें थोड़ी सी पिक्चर छोटी बनानी है। जो हम एक बार पिक्चर बना लेते हैं, जैसे हमने हेड बना ली, अब जो भी बनाएंगे वो इस हेड के अकॉर्डिंग बनाएंगे। अगर हमारी हेड छोटी है हम बाकी की चीज़ें भी छोटी बनाएंगे, अगर हेड बड़ी है तो बाकी की चीज़ें बड़ी बनाएंगे। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि बुक में जो पिक्चर है उसको नाप के नहीं बना सकते, क्योंकि हमारा जो नोटबुक का पेज के जो साइज़ है ना, थोड़ा सा छोटा है, तो हमारी पिक्चर भी थोड़ी सी छोटी बनेगी। तब हम क्या बना रहे हैं, ट्री। तो ट्री भी क्या है, उसके अकॉर्डिंग छोटा बनेगा। ऐसे ही हम थोड़ी थोड़ी करके सारी चीज़ें बनाएंगे, लेकिन छोटी बनाएंगे। और क्या करते हैं, जो हेड बनी हुई है ना, उसके जो जुड़ी हुई पास पास में चीज़ें हैं वो बनाते जाएंगे, और ये धीरे धीरे करके हमें वो जो एरिया है ड्राइंग बनाने का वो कवर कर लेंगे। तो देखो, जो हमने हेड बनाई है, अब इससे ट्री इससे जुड़ा हुआ था, तो हमने क्या किया, पहले ट्री बना लिया। तो ये हेड इससे जुड़ गया, हमें पता चल गया अभी हमें कितना के एरिया में और क्या बनाना है। अब हम बनाते हैं ऊपर वाला ट्री, अब ये भी इससे जुड़ा हुआ है तो ये भी आ जाएगा। अब जैसे ही हम ये बनाया, इसके बाद हम नीचे का एरिया घास बनाएंगे, इसके बाद हम बादल बनाएंगे। तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, पूरा एरिया कवर कर लेंगे। और हमें क्या करना है, साइज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमें क्या कहाँ पर क्या पर और कितने में क्या बनाना है, ताकि हमारी अच्छे तरह से प्रैक्टिस हो जाए। और इसमें क्या है, जितनी ही आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी ड्राइंग अच्छी होगी, इसलिए प्रैक्टिस करते रहना। और अभी हम ये बना रहे हैं ना, इसी को हमने नाप के या किसी से नाप तोल के नहीं बनाई ये ड्राइंग। ये ड्राइंग हमारी फ्री हैंड ड्राइंग है। फ्री हैंड ड्राइंग के लिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छी ड्राइंग हो जाएगी आपकी। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अगर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपकी ड्राइंग वैसे वैसे अच्छी होती जाए। उसके बाद आप ये लैंडस्केप नहीं, कोई भी लैंडस्केप, कोई भी पिक्चर बना सकते हो आप। और अगर आप अच्छे से सीखते हो, अच्छे से प्रैक्टिस करते हो ना, तो आप अपनी खुद की फ़ोटो भी बना सकते हो। और इसके लिए आपको करना क्या होगा, अच्छे से सीखनी होगी और अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आपकी ड्राइंग अच्छी होगी। तो देखो, हमने फ्री हैंड स्केचिंग किया और हमारा दूसरा ट्री भी कंप्लीट हो गया है। तो आपने ये बिल्कुल ऐसे ही करना है, बिल्कुल धीरे धीरे करना है, और डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। इसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हमें तो अभी फ्री हैंड स्केचिंग कर रहे हैं ना। ये देखो, बीच की चीज़ें देखो छोटी छोटी बन रही है ना बुक के अकॉर्डिंग। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, साइज जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रखना है, और बड़े आराम से ड्राइंग बनानी है, बिल्कुल धीरे धीरे और हल्के हाथ से, लाइट लाइट पेंसिल चलाने के साथ। और उसके बाद में अपने क्या होगा, जब कलर होगा उसके बाद क्या करेंगे, आउटलाइन करके उसको डार्क कर देंगे, फिर हमें अच्छी दिखने लग जाएगी। पहले जब हम पेंसिल से करते हैं ना, तो बिल्कुल लाइट लाइट करते हैं, बिल्कुल लाइट लाइट। अब हम बनाते हैं रास्ता। रास्ता दिया है ना, जिसमें हमने कौन सा कलर किया था, ऑरेंज कलर। तो हम रास्ता भी कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा छोटा रखते हुए, थोड़ा सा घुमाते हुए हेड के पास में लेके आएंगे, और हेड के आगे से घुमाते हुए नीचे की तरफ ले आएंगे। तो ऐसे ही हम बनाएंगे दूसरी साइड, इसकी दूसरी साइड भी ऊपर से लेके आएंगे, और ऐसे ही घुमाते हुए जैसे हमने पहले घुमाया था, अब यहाँ से थोड़ा सा इधर लेके और नीचे की तरफ ले आएंगे। और इसी तरह धीरे धीरे करके हमारी पिक्चर क्या है, कंप्लीट होने वाली है। और अभी देखो अच्छी भी लग रही है ना, बिल्कुल लाइट लाइट किया हुआ है, तो अभी देखो कितनी अच्छी लग रही है। अगर इसके बाद कलर होने के बाद ये डार्क हो जाएगी, फिर तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लग जाएगी। अभी भी ये इतनी अच्छी लग रही है लाइट लाइट। तो अब हम बनाते हैं जो साइडों में इसके फ्लावर जो बने हुए हैं,
वो बनाते हैं। कितने फ्लावर हैं? 1 2 3 4, फोर। तो पहला वो ये बन गया, तो अभी हम करेंगे दूसरा। ये होने के बाद ये हमने कर दिया है दूसरा फ्लावर स्टार्ट, और अभी ये भी कंप्लीट होने वाला है। तो बच्चों आपने भी ऐसे ही करना है, बिल्कुल आराम से करना है, बिल्कुल धीरे धीरे करना है और बिल्कुल लाइट लाइट करना है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो आपकी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, और आप कोई भी लैंडस्केप, कोई भी फ्लावर, कोई भी चीज़ अच्छे से आराम से बना लोगे, फिर कोई भी परेशानी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगी। आप बिल्कुल इजीली सीख जाओगे अगर प्रैक्टिस करते रहे तो। लेकिन आपको करना क्या होगा? प्रैक्टिस करते रहना होगा। तो बच्चों अब हमारी पेंटिंग, जो ड्राइंग स्केचिंग है, वो हो गई है कंप्लीट। थैंक यू ऑल ऑफ यू।